राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर तीसरे दिन चर्चा जारी है। विपक्ष चर्चा में भाग लेते हुए कृषि कानूनों को खारिज करने की बात कर रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष से बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि सरकार किसानों के हित का ध्यान रख रही है। किसानों से कई चरण की बात भी हुई है, लेकिन विपक्ष को समझना चाहिए कि वो इस मुद्दे पर सहयोग करे। हम अपने जजमेंट से काम कर रहे हैं। आपको चाहिए कि आप किसानों की भी कुछ दो बात उनको भी कहिए। आप हमको तो उपदेश कर रहे हैं। सारे किसान नेता हमारे आदरणीय नेता है। 11-12 बार हमारे मंत्री महोदय ने उनके साथ बातें की, अभी भी बातों के लिए हम तैयार है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप भी थोड़ा लचीलापन न दिखाए। हमने तो लचीलापन दिखाया। 3 साल 1.5 साल के लिए उसको स्थगित करने का जो पहली बार शायद सरकार ने रवैया अपनाया होगा इस पद्धति का, आप भी करिए। और साथ ही उन्होंने सरकार की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया के सामने आसन्न सभी संकटों पर सभी देशों के साथ मिलकर कार्य करने की नीति को आगे बढ़ाया है। वैक्सीन पर जिस तरह से भारत ने दुनिया के देशों की मदद की है, वो एक अनुपम उदाहरण। सबको साथ लेकर विश्व समुदाय का पूरा दिल जीतते हुए भारत उसका नेतृत्व करे, इस भूमिका में आगे बढ़ रहे हैं हम। और इसीलिए वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात हो, सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की बात हो, मैं मानता हूं कि इन सारे विषयों की ओर इस देश ने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की दिशा में अग्रसर होने का प्रण किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शायद पहली बार यह हुआ होगा कि ICCR का जो काम चलता है उसकी समीक्षा की, घंटा दो घंटा उसके लिए दिया और काफी कुछ विषयों के बारे में चर्चा की। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों के साथ भारत के संबंध जितने प्रगाढ़ आज हैं, वो पहले कभी नहीं थे। पद्धति से हमने देश के विश्व के सारे समुदायों को साथ में लेकर, चाहे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो, अभी दो साल पहले उनका एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने श्रीमती सुषमा स्वराज, उस समय हमारी विदेश मंत्री थी, उनको बुलाया था। और इसी तरीके का कार्यक्रम जब उनका स्थापना अधिवेशन हुआ था 1969 में रबात में, तब भी हुआ था। तब हमारे जो मंत्री वहां पर गए थे, उन पर क्या बीती थी, पाकिस्तान का कितना दबाव था, हम सब जानते हैं। हमने सभी के साथ मित्रता किए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ भारत के तेजी से बढ़ते सहयोग और व्यापार भी उदाहरण लायक है। हमने टेक्सटाइल के बारे में, हमने 2 अक्टूबर को जब महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म जयंती के कार्यक्रम को हम कर रहे थे, तो हमने वीविंग रिलेशंस थ्रू टेक्सटाइल ट्रेडिशंस के रूप में एक वेबिनार आयोजित किया, जिसमें भूटान की महारानी भी उपस्थित थी और कोरिया की फर्स्ट लेडी भी उपस्थित थी, बांग्लादेश के टेक्सटाइल मिनिस्टर भी आए थे। तो टेक्सटाइल जैसी कला के माध्यम से भी हम विश्व में हमारे संबंधों और उजागर करना चाहते हैं।